तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज पूरा का पूरा यहाँ पर आपको रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाए ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा। तो चलिएगा आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका नाम आ जाएगा भोला भाई पटेल ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कौन सा भाव सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा स्थायी भाव विद्यमान रहता है। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, उत्पीड़न का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण, तो यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना है। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, डाके वही 3 पात होने का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे का अर्थ हो जाएगा सदा एक जैसा रहना, तो ये वाला इसका उत्तर होगा। उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का उत्तर आपका आ जाएगा समाज पोषित नाम दिया गया। उसके बाद में संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको जो है बीट कहा जाता है, यहाँ से आप लोगों को इसको लिख लेना है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को भी पूरा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा फूल क्या जाने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको श्रृंगार काल लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे गुण कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा गुण कहलाता है ये, तो ये ओज गुण कहलाता है। उसके बाद में पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है, कहानी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है वाक्य शब्द समूह है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सार्थक शब्द समूह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सोंदल गेकर भाषा के शिक्षक थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, ये मराठी भाषा के शिक्षक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। तो देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख लेना है। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को सही जोड़ी को बनाकर लिखना है, देखिएगा किस प्रकार से आप सभी लोगों को यहाँ से सही जोड़ी बना लेनी है। तो देखिएगा पेरी सही जोड़ी देखते हैं क्या लिखा है, रुबाइया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कहाँ से कर लेना है। और उसके बाद में खंड काव्य, तो देखिएगा खंड काव्य की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है पंचवटी से। और उसके बाद में अगला, मेरी कल्पना का आदर समाज, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर से, तो यहाँ से इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। उसके बाद में अतीत में दबे पाँव, तो देखिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का आपको मिलान कर लेना है ओम थानवी से। उसके बाद में संचार माध्यम रेडियो, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है श्रव्य से। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसी के नीचे देखिएगा यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को भी नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं, ये इसका उत्तर होगा। और इसके बाद में, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है शांत रस है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, गुड़ धानी का क्या अर्थ है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गुड़दानी का अर्थ है भुने हुए गेहूं को गुड़ मिलाकर बनाया गया लड्डू, इसको गुड़दानी कहा जाता है। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर अंबेडकर जो थे बौद्ध मत के अनुयायी थे। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम जो है प्रौद्योगिकी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लिख लें प्रौद्योगिकी, इसका दूसरा शब्द होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 4:2:1 था। तो इस अनुपात की ईंटें उस समय बनाई जाती थी। और उसके बाद में बाइट क्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाइट कंप्यूटर तथा अंकीय सूचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई होती है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन सत्य असत्य, तो यहाँ से आप लोगों को सत्य असत्य देखने हैं। पहला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल सत्य होगा। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रसन्न आते हैं, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। शरीर के वृक्ष काटेदार होते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं होते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, पाँचवे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को सत्य असत्य लिख लेने हैं। इसके अलावा ये प्रश्न नंबर 6 लिखा गया है, ये 7 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 9 लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देखते चले, टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। तो आप सभी लोग यहाँ तक के देख लें, ये प्रश्न नंबर 13 लिखा है, 14 लिखा है, सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर जो लिखे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से नोट कर लें। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।